अलग से कमांड दिया गया है, वो कॉपी पेस्ट करना। तो ये हमने कमांड हमारा कॉपी पेस्ट कर दिया है, बस इसको यहाँ से इंटर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर वेट करना होगा, बस इसको अलाउ कर देना। अब ये देखिए इंस्टॉलिंग टर्मेक्स पैकेजेस हो रहा है, एक 4 to 5 मिनट्स लेगा, डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट स्पीड पर। तो हम लोग वेट कर लेते हैं इसको इंस्टॉल होने का। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये इंस्टॉल होगा, इसको ऑलमोस्ट 5 to 10 मिनट लगेंगे, आपको वेट कर लेना होगा। ये हमारी स्पीड भी देख सकते हैं आप लोग, कितनी स्पीड इसको ज़रूरत है आपको नेट की। ये देखिए 7 ऑलमोस्ट 7 MB हमारे पास इंटरनेट यूज़ हो रहा है, और ये हमारा 4 to 5 सेकंड में हमारा इंस्टॉलेशन फिनिश हो जाएगा। तो देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। तो ये रहा हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। जब आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ऐसे बताएगा कि आपको अगर स्टार्ट करना है तो मो बॉक्स टाइप करना होगा। तो चलिए जल्दी से हम लोग मो बॉक्स स्टॉप कर देते हैं। मो बॉक्स ये हमने टाइप किया है, नहीं किया है, मो बॉक्स ये हमने टाइप कर दिया है, और यहाँ पर बस इंटर बटन दबाना है। तो ये सिंक करेगा पैकेजेस को, इसमें काफ़ी सारे आपको कस्टमाइजेशन है, काफ़ी सारी सेटिंग्स है। तो जल्दी से हम सब बना देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ये देखिए हम सेटिंग्स में आपको दिखा देते हैं क्या क्या है, काफ़ी सारी सेटिंग्स है इसमें। यहाँ पर आपको प्रीसेट्स मिल रहे हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ये वाले प्रीसेट्स आपको ये वाला काम करके देंगे। जैसे कि फर्स्ट वाला है जिसमें असासिन्स क्रीड को ये लोग ने फिक्स किया है, तो अगर फर्स्ट वाला आप लोग असासिन्स क्रीड खेलना चाहते हैं तो फर्स्ट वाला लगा सकते हैं, सेकंड थर्ड ये सब आप वीडियो पॉज करके देख लेना। तो हम लोग बैक आ जाएंगे। अभी यहाँ पर देखिए वाइन प्रीफिक्स है, आपको यहाँ पर हम लोग दिखाते हैं वाइन प्रीफिक्स, यहाँ तो कुछ खास नहीं है, बैक आ जाते हैं। ये देखिए टच भी इसमें काम करता है, ये जो बटन से यहाँ पर आपको टच से भी आप लोग काम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कीबोर्ड ही चलाएं। DXVK में क्या कहा है हम आपको देख सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके सेटिंग्स है, मैनुअल आप चेंजेस कुछ करना चाहते हो कर सकते हैं। तो जल्दी से हम लोग बाहर आ जाते हैं। ये सिस्टम सेटिंग्स, यहाँ पर रेजोल्यूशंस, ये वो आप लोग जो भी चेंज करना है कर सकते हैं। तो ये रही हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट सेटिंग। ये देखिए यहाँ पर आपको ये चेंजेस, मिसा वर्जन वाले जो ड्राइवर्स होते हैं वो है, यहाँ पर ओवरराइड आप लोग कर सकते हैं। अगर गेम नहीं चलती है तो ये चेंजेस करके ट्राई आउट कर लेना। तो हम लोग यहाँ पर बैक आएंगे। तो ये रहा हमारा स्टार्ट, वाइन पे क्लिक करना है तो बस हमारा एमुलेटर स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए इसको शायद कॉन्फ़िगरेशन के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो देखते हैं कितना टाइम लेता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे। एक बात इसमें अच्छी देखने को आपको ये मिलेगी कि इसमें फिजिक्स जो सॉफ्टवेयर है वो पहले से इंस्टॉल होगा, और विजुअल C++ के डिस्ट्रीब्यूटेबल जो भी है वो पहले से इंस्टॉल होते हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ 2009 2008 2010 ये सभी इसमें इंस्टॉल होते हैं। और ये देखिए DXVK वाला वर्जन, सारी कस्टम वाइन्स इसमें इंस्टॉल हो जाएंगी, बस आपको थोड़ा सा वेट करना है। आपको कुछ एडिशनल इंस्टॉलेशन के लिए ज़रूरत नहीं है, जो कि आपको विनलेटर में करना पड़ता था। तो यहाँ पर आपको जो लेटेस्ट ड्राइवर्स है जो हम यूज़ों में यूज़ करते हैं, टूर्नी 24, वो भी इसमें इंस्टॉल है ऑलरेडी आपको। तो काफ़ी हद तक सही चल रहा है एमुलेटर, बस थोड़ा और वेट करते हैं, जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या गेम्स चल रही है। तो ये रहा हमारा सेटअप हो चुका है, इसको अलाउ कर देना है। तो ये देखिए बूट हो चुका है, तो ये हमारा एमुलेटर तो रन हो चुका है। और ये जो स्क्रीन आपको छोटी दिख रही है, इसके लिए आपको प्रीफ्रेंस में से जाकर इसके सेटिंग्स को चेंज करना होगा, बस इसको होल्ड कर लें, फिर ये प्रीफ्रेंस में जाएं, यहाँ पर नेटिव हटाकर आपको एग्जैक्ट रखना होगा, फिर यहाँ पर आपको कस्टम रेजोल्यूशंस देखने को मिलेंगे। तो या लोएस्ट ट्राई करो, मैं तो सजेस्ट करूँगा कि लोएस्ट से हाईएस्ट ट्राई करो कि देखो कि किस में अच्छा चलता है। आपको अगर स्ट्रेच करना रहा, यानी फिर स्क्रीन पर बराबर फिक्स आपको होना है, तो ये कर सकते हैं आप, स्क्रीन आपकी परफेक्ट सेट हो जाएगी। बस इसको बैग आकर फिर से इसको ओपन कर लेना होगा। तो ये देखिए हमारी स्क्रीन, इसको रोटेट करेंगे हम, आ जा भाई रोटेट हो जा। अरे भाई साहब, तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करके हमने स्क्रीन को हमारी परफेक्टली सेट कर लिया है। तो चलिए जल्दी से एक गेम को इंस्टॉल करके देख लेते हैं। फ्रीडम फाइटर ये गेम है, जो कि हमने अपने चाइल्डहुड में खेली थी, काफ़ी बढ़िया और हमारी फेवरेट गेम है। तो जल्दी से इसको इंस्टॉल कर लेके देखते हैं कि क्या ये चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। हम लोग Poco F5 में ये टेस्ट कर रहे हैं, मैं आपको बता दूँ, जिसमें Snapdragon 7 Plus Gen 2 है, और ये हमारे पास 8GB 256GB वेरियंट है। तो चलिए वेट कर लेते हैं इस गेम को इंस्टॉल होने का, फिर टेस्ट करते हैं गेम को। तब तक अगर मैं आपको दिखा सकूं, चाह के भी मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे दिमाग का दही है। तो ये देखिए
स्क्रीन को आपको रोटेट करना है, ये कभी रोटेट होता है कभी नहीं होता है। तो तब तक गेम इंस्टॉल हो जब तक हम आपको इसके सेटिंग्स दिखा देते हैं। माफ़ करना अगर कैमरा कभी कभार इधर उधर चला जाए तो। तो ये रही सेटिंग्स, जल्दी से सेटिंग्स देख लेते हैं, कैमरा हमारा फोकस नहीं कर रहा है। तो ये देखिए काफ़ी सारे इसमें आपको कस्टम वाइंस आपको मिल जाएंगे इजीली, DXVK के सारे वर्जन है और वाइन D3D के भी है। और ये रहा टर्निप के ड्राइवर्स, अरे भाई चलना। तो ये देखिए टर्निप के सारे ही ड्राइवर्स है इसमें, 24 22.1 वाला भी है, लेटेस्ट वाला है जो है वो 24 है। तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये बस आपको क्लिक करना है। तो आपको अगर गेम नहीं चलता है तो ये वाले ड्राइवर्स जो है आपको चेंजेस करके देख लेनी पड़ेगी, बट पता नहीं ये क्या गिची हो गई हमारे पास, और जो हमारा इंस्टॉलेशन हो रहा था वो गया भाड़ में। तो जल्दी से हमको फिर से इंस्टॉलेशन करना होगा, मुझे वेट कर लेना चाहिए था, मैंने शायद गलती कर दी इसको सेटअप के ड्यूरेशन में हमने। हाँ भाई यस टू ऑल कर दे, जल्दी से इंस्टॉल कर दे। चलिए वेट करते हैं गेम इंस्टॉल होने का। तो ये हमारा गेम इंस्टॉल हो चुका है, तो चलिए जल्दी से इसको हम ट्राई कर देखते हैं। तो ये देखिए हमारा गेम लोड हो चुका है, हम ये दूसरे फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास उस फ़ोन में कुछ इश्यू आ रहा है। तो हमने इसे स्टार्ट तो किया है बट घंटा कुछ इसमें आपको दिख रहा है, क्या करें भाई, हमारा तो नसीब ही ख़राब है जो इतने घटिया फ़ोन से। ये शाओमी भाई फ़ोन बंद कर दो यार, तुम लोग पता है नहीं क्या ही घटिया इतना कैमरा डालते हैं। तो अभी आप लोग को कंट्रोल्स के लिए इनपुट ब्रिज को इंस्टॉल कर लेना होगा जल्दी से, ये लेटेस्ट वाला सा एप्लीकेशन वर है। तो इसको हम लोग खोलते हैं, अभी बताते हैं इसको सेट करते हैं। तो ये इसको जल्दी से बूट कर लेते हैं, इसको फिर थोड़े बहुत परमिशन देने होगा तो हम लोग इसको दे देंगे जल्दी से। कहाँ गया भाई, इसका नाम क्या था, इनपुट ब्रिज कहाँ है, ये रहा। चलो भाई बैक आओ जल्दी से यार, काफ़ी इसको पहले तो प्लस कर लेना होगा कि हम लोग नई प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, इसको यस कर दो, फिर यहाँ पर जाओ। ये क्या है भाई साहब, तो यहाँ पर हम लोग एडिट कंट्रोल्स में जाएंगे, जल्दी से हम लोग बटन्स ऐड करेंगे, दो चार बटन्स हम लोग ऐड कर लेके देखते हैं कि गेम कैसे चलती है। यहाँ पर हम लोग इसको स्टिक कर देंगे। तो देखिए आपको सेटअप करने के बाद एग्जिट करना है, तो यहाँ पर आपको छोटा सा एक आइकॉन आएगा, उसको हम लोग टच करें तो ये बटन्स अनेबल हो जाएंगे। तो अभी इसको नहीं करना है, अभी इसको हाइड करते हैं, फिर जल्दी से गेम में चलते हैं। तो ये रही गेम, अभी यहाँ पर आपको इसको जो है इनेबल करना होगा। तो ये हमारी गेम अनेबल हो गई कंट्रोल्स, अब इस तरीके से आपको आ जाएगा गेम कंट्रोल्स। तो आप लोग को जो भी बटन्स यूज़ होंगे अकॉर्डिंग टू गेम्स सेट कर लेना होगा। जल्दी से गेम को स्टार्ट करते हैं, भाई काफ़ी वेट कर लिया है यार। वीडियो को लाइक कर दो यार, बहुत सारी मेहनत लगती है, टाइम लगता है, डेटा तो आजकल फ्री है लिमिटेड डेटा का। तो ये हम कट सीन को कट कर देते हैं, गेम में जल्दी से चलते हैं। तो ये रही हमारी गेम 100 FPS, ओ भाई साहब 100 FPS, ये होता है कमाल बड़े ड्राइवर बड़े प्रोसेसर का। अरे भाई एक हाथ से चलाना मुश्किल है यार, काफ़ी मुश्किल। एक बार ही हम इसको कंट्रोल, तो हमने काफ़ी रेजोल्यूशन ट्राई आउट कर लिए है बट स्क्रीन तो प्रॉपर आ नहीं रहा है, पता नहीं क्या ही इसका मसला है। हम लोग आगे ट्राई आउट करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग चढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास स्पेस बटन नहीं है। तो जल्दी सेट करके आते, तो ये हमारा स्पेस बटन आ चुका है, अब ये हमारा प्लेयर ऊपर चढ़ जाएगा। तो गेम देखिए भाई साहब काफ़ी स्मूथ गेम प्ले आप लोग को शायद ही दिख पाए, 70 FPS, गजब भाई गजब, बहुत बहुत ही बढ़िया। हाँ हाँ मूव ऑन करना भाई बुढ़े, चढ़ चढ़ो ताऊ। अब ये देखो यही मारेगा, हमको मारने का मौका भी नहीं मिलेगा। अरे चल भाई, हाँ तो एक करना, मार मार बुढ़े। अरे चिच्चा वो लोग चले भी गए यार। तो ये रही वीडियो आपके सामने प्रूफ के साथ, गेम काफ़ी स्मूथ चल भी रहा है 60 FPS। जवा हमारे देखिए काफ़ी बढ़िया गेम, इसको हम लोग सेट कर लेंगे आने वाली वीडियोस में कि इसके हिसाब से क्या रेजोल्यूशन में चलेगा। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो यार, चैनल पे काफ़ी कम सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं। तो ये वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे,
और ये लोग हमें समाप्त कर देंगे, ये देखो अभी मजा आएगा। घूम,